वैसे अब इंडियन सिनेमा में एक्शन मूवीज की कोई कमी नहीं है, और समटाइम ऐसा होता है कि रोज जब हमें चीजें मिलती रहती हैं हमें लगता है कि यार दिस इज द ऑर्डिनरी थिंग। लाइक अगर हम खाने पीने की बात कर ले, चिकन की बात कर ले, रोज वही मिल रहा है तो इतना कोई हिट करके नहीं जाता, इतना कोई मेमोरेबल मोमेंट नहीं बनता है। लेकिन जब कोई ऐसी मूवी जाती है लाइक एक्शन की बात कर लो, क्योंकि इस टाइम पर भाई दर्जनों नहीं क्विंटल के हिसाब से रद्दी के माफिक एक्शन मूवीज आ रही हैं और पिट भी रही हैं। कुछ जो है हिट होके गई हैं, कुछ जो है हिट नहीं होके भी गई हैं। लेकिन इस टाइम पर भाई जॉन इब्राहिम की वेदा मूवी जो आ रही है, जिसका टीजर भी ड्रॉप आउट हुआ है, बड़ा फाइन एंड प्रॉमिसिंग टीजर। मतलब एक्शन की कैटेगरीज में भी अगर इस एक्शन को घुसेड़ दें तो भाई हिट करके गया है, डेफिनेटली हिट करके गया है। क्योंकि अभी तक जो मूवीज आ रही थी एक्शन की, उसमें एक क्लास थी, एक हाई टेक्निकल वो एक क्लास सेट करके जा रहा था। लेकिन भाई अपने इंडियन सिनेमा में अगर देसी पना ना हो एक्शन में, मिर्जापुर क्यों हिट हुई थी भाई, पूरा देसी पना था वो। मारवाड़ी एंड यूपी का जो लोकल एक्सेंट के साथ जो एक्शन निकले, मासी राउडी एंड टॉक्सिसिटी, तो भाई वो हिट तो करेगा। देन उसके बाद जॉन इब्राहिम जैसे हाई फाई डिंडॉल, भाई एक्शन सभी पे सूट नहीं करता है, लेकिन ये टीजर जो फर्स्ट लुक था भाई फुल ऑन टचिंग था, हार्ट टचिंग था। क्योंकि पिछले कुछ समय से भाई जॉन अब्राहम का ऐसा एक्शन मूवीज भी आ रही थी तो उतना हिट करके नहीं जा रही थी, लेकिन भाई ये जो सर्वाइवल एक्शन थ्रिलर मूवी होने वाली है, जहां पर अपने मेन लीड पर जॉन अब्राहम है, लेकिन कैसे है सपोर्टिंग में, लाइक मेन लीड पर अपनी सर्वरी जो देखने को मिल रही है भाई, फाड़ एक्शन। वैसे जॉन इब्राहिम का जो ये रूप है भाई गॉड हिट करके जा रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि हाई फाई डिल्डॉल और स्मार्टनेस चार्मिंगनेस की वजह से उसके नाम के बेस पर एक्शन मूवी चल जाती थी, लेकिन भाई लिटरली एक्टिंग करते ये बंदा नजर आ रहा है, और जो डायलॉग डिलीवरी हो रही है इसके द्वारा वो तो आग ही लगा रही है भाई, गूज बम्प दे के गया है। लाइक मुझे झगड़ना नहीं आता, सिर्फ जंग लड़नी आती है। झगड़ना नहीं आता मुझे, सिर्फ जंग लड़नी आती है। उसके बाद वो बाप वाला बाप मोमेंट तो ये दमदार है, डायलॉग डिलीवरी ऑसम है, सर्वरी लुकिंग सैवेज एंड फुल टॉक्सिक, मतलब फुल एक्शन थ्रिलर मूवी होने वाली है, सर्वाइवल एक्शन होने वाला है। साथ में अगर सपोर्टिंग कास्ट की बात करें, एज विलेन भाई अभिषेक बैनर्जी देखने को मिल रहा है, जो बिल्कुल प्रॉमिसिंग है कि भाई विलेन का जो एंगल होने वाला है, निगेटिविटी डार्कनेस का जो एंगल होने वाला है, वो उसमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, क्योंकि अभिषेक बैनर्जी को नेगेटिव रोल में हम पहले भी देख कर आ चुके हैं। दूसरा डायरेक्शन में भाई काम लग रहा है, एक्शन डायरेक्शन भी दमदार लग रहा है। डायरेक्टर हैं अपने निखिल आडवाणी, जिनके अगर ट्रस्ट करना चाहोगे इनकी, तो इनकी प्रीवियस क्रिएशंस रही हैं चांदनी चौक टू चाइना, कल हो ना हो, सलामी इश्क, तो ये दमदार मूवी वो पहले भी देकर आ चुके हैं। तो इसमें डायरेक्शन के हिसाब से, स्टोरी प्लॉटिंग के हिसाब से नहीं लग रहा कि कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक्शन मूवीज में भाई स्टोरी से उतना कोई लेन देन नहीं होता है, लेकिन जो ये मारवाड़ी का जो एक्शन देखने को मिल रहा है, मतलब वहाँ से जो स्टोरी प्लॉट होगी, क्योंकि सर्वरी एक निचले दर्जे की दिखाई जा रही है, जहाँ पर कुछ नहीं समझाता जाता है, जाति भेदभाव एंड देन उसके बाद वो लड़की है तो उसे अंडर एस्टिमेट करा जाएगा, देन वो उस चीज़ के लिए भाई लड़ेगी और ट्रेनिंग भी लेते दिख रही है, जहाँ पर फुल ट्रेन कौन करने वाला है, जॉन इब्राहिम उसे ट्रेन करने वाला है, और उसको जब ये सपोर्ट करेगा, और जब वहाँ पर अभिषेक बैनर्जी कोई हाई क्लास वो ठाकुर साहब राणा जी वाला हिसाब नहीं देखने को मिलता था राजस्थान जयपुर साइड, तो वही वो सिनेरियो वहाँ है, देन उसके बीच में लड़ाई होगी, जॉन अब्राहम बीच में कूदेगा और ये वॉर पर्सनल वॉर हो जाएगी, और यहाँ से ये दोनों सर्वाइव भी करेंगे, तो ये सारी चीज़ें भाई हिट तो करके जाएंगी एक बार के लिए। देन भाई मूवी आने वाली है 12th of July को, और ब्रुटैलिटी जिस हिसाब से एनिमल मूवी में मिली थी, अगर उस हिसाब की ब्रुटैलिटी इसमें भी देखने को मिल गया, वायलेंस, तो हिट करके जाएगी, क्योंकि भाई दौर है ये, और यही दौर है, कोई ऐसा फिल्टर के साथ कुछ मत दिखाओ, जो है एज इट इज भाई, जो सोसाइटी में चल रहा है, रियलिस्टिक बेस पे अगर फोकस करोगे तो भाई वो डेफिनेटली हिट करके जाएगा। बाकी दैट्स माय रिव्यू भाई, ऑसम है, वेट है कि कुछ तो दमदार मिल रहा है, क्योंकि एक्शन ही एक्शन था तो बोरियत सी हो रही थी, लेकिन एक्शन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज अगर मिल जाएगी तो वो हिट करके ही जाएगी। बाकी यहाँ तक पहुँच गए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मन करे तो शेयर भी कर देना, क्योंकि मेहनत लगती है भाई, एक लाइक एक सपोर्ट, और इस सपोर्ट में बहुत कुछ छुपा है, आगे की जर्नी छुपी है, और आगे ऐसे ही मिलते रहेंगे। बाकी बाय।